नमस्कार, मैं अमित दुबे, शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमने और कौन कौन से टाइप को पिछले वीडियोस में छोड़ा था और हम उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्या है हमारा क्वेश्चन कि 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, या कितने 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा कि हमें इसके मल्टीपल चाहिए, कि इसके कितने मल्टीपल बनेंगे, कि ये कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड होता है। इस पैटर्न को समझना होगा कि 325 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको ऐसे नंबर्स को देखना है कि जो इन सब ये 325 जो है कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड होता है। तो अगर मैं सबसे पहले अगर नंबर देखूंगा तो पहला नंबर जो मिलता है वो डिवाइड होता है या किससे, 325 जो है एक से डिवाइड होता है। जिसको एक से डिवाइड करोगे तो लगभग कितनी बार डिवाइड होगा, 325 बार। और फिर इसके बाद अगर हम इसको भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करने पर ये कितनी बार, 5 6 30 और 5 5 25, मतलब कितनी बार, 65 बार डिवाइड हुआ। फिर इसके बाद एक और नंबर देखते हैं तो 5 से ये एक बार फिर से 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से कितनी बार, 25 एकम 25, और कितना बचेगा हमारे पास में, 7, 25 3 75, मतलब कितनी बार डिवाइड हुआ ये, 13 बार। तो यहाँ पर अब इसके अलावा और ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो इसके अलावा हमारे पास में और अभी फिलहाल में और कोई नंबर नहीं होंगे जिनसे ये नंबर डिवाइड होंगे। तो आप यहाँ पर इनके काउंटेबल काउंट करो कि ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हुआ। तो ये 1 से डिवाइड हुआ, 5 से डिवाइड हुआ, 25 से डिवाइड हुआ, 13 से डिवाइड हुआ, 65 से डिवाइड हुआ और 325 से डिवाइड होगा। तो इस प्रकार हमने जो इसके मल्टीपल जो इसके गुणनखंड निकाले हैं वो कितने हैं, कुल 6 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, 6 गुणनखंड होंगे। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि ये गुणनखंड किस प्रकार से हम इसके कर पाए। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से और आसानी से कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ और भी नंबर आए तो हम इसको और किस प्रकार से कर सकते हैं, उस तरीके को देखते हैं कि हम इसको और किस प्रकार से कर सकते हैं। चलो, आप लोगों को करना क्या है, इसमें सिंपल सी चीज है कि आपको इस 325 के कुल गुणनखंड बना लेने हैं। जिस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं या गुणनखंड करते हैं, इस प्रकार से आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड होगा ये 5 6 30 और 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड होगा ये 5 से ये 13 बार, और फिर 13 से डिवाइड होगा ये 1 बार। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 को यहाँ पर 5 से कि कितनी बार डिवाइड हुआ, मतलब ये 5 से डिवाइड हुआ आपका 2 बार, मतलब कि 5 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर, 2, और यहाँ पर 13 की पावर कितनी होगी, तो यहाँ पर 13 की पावर होगी 1। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो इनकी पावर जो आ रही है आपके पास में, तो आप इनकी पावर में प्लस 1 करेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 6। मतलब कि कुल कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं या कितने गुणनखंड होंगे, तो 6 गुणनखंड होंगे। चलिए, अगला इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास सामने। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड किए जा सकते हैं, 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, उसी प्रकार से फैक्टर बनाए इसके, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 बार, और फिर 3 से डिवाइड होगा ये 1 बार। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 से ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 और 5, मतलब 2 की पावर कितनी हो रही है यहाँ पर, 5, और 3 की पावर यहाँ पर कितनी बन रही है, तो 3 की पावर बन रही है यहाँ पर 2। तो आपको इनकी पावर में ध्यान देना है कि इनकी पावर कितनी जनरेट हुई। तो 2 की पावर है 5, तो आप 5 में प्लस 1 करेंगे, इसी तरह से 2 में प्लस 1 करेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में 1 प्लस किया तो 6, 2 में 1 प्लस किया तो कितना होगा, 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में आंसर कितना आएगा, 18। तो मतलब इसका मतलब यह है कि आप इस 288 के 18 गुणनखंड तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके पहले नंबर पे ऑप्शन पे है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी।
तो इसी प्रकार के जब भी अगर आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलते हैं या फिर जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसी प्रकार से करना है, ना कि इसके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप उसके एक एक करके आप उसके फैक्टर बनाए, तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि 1000 तथा 5000 के बीच, मतलब कि 1000 और 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 225 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 225 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है कि 225, मतलब कि इधर आपके पास में 1000 है और इधर कितना है आपके पास में 5000, तो आपको 225 से भाग इसमें देना है और 225 से भाग इसके अंदर कर देना चाहिए। क्या करेंगे? अगर आप 225 से 1000 को भाग करेंगे तो आपके पास में वो सारे संख्याएं आ जाएंगी, उतनी संख्याएं आ जाएंगी, जो भागफल होगा इसका भागफल जो आपका यही बताएगा कि उतनी संख्याएं आप यहां पर 225 से डिवाइड होने वाली मिलेंगी। तो 225 से जब आप इसको भाग करते हैं तो आपके पास में वैल्यू कितनी आती है? 4 से भाग करेंगे, 4 दुना 8, मतलब कि कितनी बार? 4 बार। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी? 900। शेषफल बचता है उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? भागफल से। तो भागफल कितना है हमारे पास में? 4। यहां पर 225 से इसको भाग करेंगे तो 225 से कितनी बार भाग जाएगा? 225 दुना 450, कितना बचा? 50। फिर आपके पास में ये कितनी बार भाग गया? 22 बार। तो 1000 तक, 1000 से पहले आपके पास में कुल कितनी संख्याएं थी जो 225 से डिवाइड हो रही थी? तो वो 4 संख्याएं थी। और 225, 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 225 से डिवाइड है? तो 22 संख्याएं हैं। तो आप करेंगे 222 में से 4 को माइनस कर देंगे और आपका आंसर कितना आएगा? बाईस में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी? 18। और 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती। तो यहां पर आपको 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर्स में से, सॉरी 200 तक में वो सभी नंबर देखने हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होते। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 200 को 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो 3 से भाग देने पर कितनी बार? 3 × 18 और 3 × 18, मतलब कि 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं 200 तक में। अब आप यहां पर ऐसे नंबर्स को निकाल लो जो 3 से डिवाइड होते हैं और 7 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं और 7 से भी डिवाइड होते हैं, क्योंकि हमें उन नंबर्स की जरूरत नहीं है जो 7 से डिवाइड होती हैं। तो जो नंबर जो 3 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, वह मतलब कि इन 3 और 7 का जो एलसीएम है उस नंबर से हमें इस 200 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 21 से 200 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार, मतलब कि 9 संख्याएं ऐसी हैं, 9 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे डिवाइड होती हैं? 7 से डिवाइड होती हैं और 7 में किससे डिवाइड होती हैं? 3 से भी डिवाइड होती है। तो आप 66 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास में वैल्यू आती है 57। कितना आएगा आपके पास में? 57, मतलब 66 में से 9 को माइनस किया तो कितना आया आपके पास में? 57। और यही आपका आंसर भी होगा कि 200 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होती हैं और 7 से विभाज्य नहीं होती। तो 57 संख्याएं, 57 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होंगे लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी सेम इसी टाइप से है कि 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से और 7 से डिवाइड नहीं होती है। 3 और 7 से डिवाइड नहीं होती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको 3 से भी डिवाइड होने वाली संख्या नहीं चाहिए और 7 से डिवाइड होने वाली संख्या भी नहीं चाहिए। तो पहले तो आप ये देखो कि 700 से 950 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। आपको क्या समझना होगा कि 700 से 950 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हम यहां पर संख्याओं की कुल संख्याएं कितनी बनेगी? 251।
कि 700 से 950 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 251 संख्याएं हैं। अब हमें इनमें से उन संख्याओं को हटाना है जो 3 से और 7 से डिवाइड नहीं होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 700 को 3 से डिवाइड करें, जिससे आपको ये पता चले कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से हैं। तो 3 से ये कितनी बार भाग जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, मतलब 233 संख्याएं ऐसी थी जो 700 से पहले थी और 3 से डिविजिबल थी। अब 950 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आती है 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, मतलब 316 संख्याएं ऐसी थी, 316 संख्याएं ऐसी थी जो 950 तक जो 3 से डिवाइड होती है। तो आप माइनस कर लें पहले, तो यहाँ पर पहले 316 में से 233 को माइनस करें तो कितना बचेगा आपके पास में, 6 में से 3 गया तो आपके पास में बचता है 3, 31 में से 23 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 8, मतलब 83 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से विभाज्य हैं। किससे विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। तो 3 से विभाज्य नंबर कितने, 83। अब आप 7 से विभाज्य होने वाले नंबर निकाल लें, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 100। तो 100 नंबर्स जो हैं वो कहाँ तक, 700 तक, लेकिन 700 को आपको इस वाले क्रम में रखना है, मतलब 700 से पहले आपके पास में कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं, ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, 99। अब 950 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से कितनी बार डिवाइड होगा, 7 × 7 = 7, 2 बचेगा, 7 × 3 = 21, फिर बचा आपके पास में 4, 7 × 5 = 35, मतलब कि 135। तो 135 में से आप 99 को माइनस कर लें तो आपके पास में वे नंबर भी आ जाएंगे जो 7 से डिविजिबल थे। तो 15 में से 99 में कितना प्लस करें कि आपके पास में 135 आ जाए, मतलब कि आपके पास में कुल नंबर होंगे, इसमें से 99 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 36। तो 3 से विभाज्य होने वाले नंबर कितने, 83। 7 से विभाज्य होने वाले नंबर कौन से, 36। अब यहां पर आपको कुल नंबर कौन से नंबर निकालने हैं, अब वो नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो रहे थे और 7 से भी डिवाइड हो रहे थे, मतलब जो नंबर इसके अंदर भी काउंट हुए और इनके अंदर भी काउंट हुए, तो इन नंबर्स को 83 प्लस 36 और उन नंबर्स को आपको माइनस कर लेना है जो 700 और 950 के बीच में है और 3 और 7 मतलब इनके एलसीएम से डिविजिबल है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 7 और 3 का 21, तब 21 से भाग करेंगे 700 को, तो 21 को 21 × 63, 21 × 63 मतलब 33। अब 950 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो 21 से 21 × 84 कितना बचा आपके पास में, 11, 21 × 5 = 105, मतलब कि 45 में से 33 को माइनस कर लें तो 45 में से 33 को माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 12। तो अब ये नंबर्स जो हैं 83, 36 को प्लस करके 12 को माइनस करें तो हमें वो नंबर सारे मिल जाते हैं जो 7 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है। तो 83, 3 × 6 = 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास में, 7, 8 × 3 = 11 में से 1 गया तो बचा 10, मतलब 107 नंबर ऐसे हैं, 107 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिवाइड हैं, 3 से डिवाइड हैं और 7 से डिवाइड हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि हमें ऐसे नंबर्स बताइए जो 700 से 950 के बीच, 950 तक हैं और ना तो वो 3 से डिविजिबल हैं ना ही 7 से डिविजिबल हैं। तो आप 107 को इसके अंदर से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 11 में से 7 गया तो 4, 5 में से 4 में से 0 गया तो कितना बचा, 4, और 2 में से 1 गया तो कितना, 1। तो 144 आपका आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन में तीसरे नंबर पर दिया गया है। तो आपको इसी प्रकार से करना है, इसमें आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। रीजन, क्योंकि यहां पर जब भी कभी ऐसा कोई नंबर मिलता है हमें जो आप जिन नंबर से भाग कर रहे हैं उनमें से अगर किसी भी एक नंबर से डिवाइड होता है तो अगर आप लोग इनको डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ गलत होने के चांसेस हैं। कई बार क्वेश्चन में बताया जाता है कि आप इन दोनों के डिफरेंस ले लीजिए 250 और 250 को डिवाइड करके देख लीजिए, तो इस प्रकार से नहीं करना है, उसमें गलत होने के चांसेस हैं। तो हमें वहां एग्जाम में हमें ऐसा कोई तरीका अप्लाई नहीं करना जिसमें हम गलत हों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1000 से 2000 तक के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 341 से विभाजित करने पर 5 शेषफल देती है। क्या है, 1000 से
2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपको 341 से डिवाइड करने पर, 341 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल देती है? 5 शेषफल देती है। तब अब आपको इन दोनों के बीच में नंबर बोला गया है, तो अब आप यहां पर इनका डिफरेंस जरूर ले सकते हैं। अगर आपको यह बोला जाए कि 1000 से 2000 तक, तब आप ये कंडीशन नहीं करेंगे, ये अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है कि इनके बीच में नंबर निकालना है, तो आप 2000 में से 1000 को माइनस कीजिए, कितना आएगा आपके पास में? 1000। 1000 को आप डिवाइड कीजिए 341 से, तो 341 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी? 341 से कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। 3 × 9 = 900, 3 × 4 = 12, मतलब कि 2 बार ही भाग जाएगा यहां पर। तो 3 × 2 = 6, 600, और 2 × 4 = 8, 680, 680 और 682 कितनी बार भाग गया? 682। तो यहां पर आपके पास में कुल कितने नंबर आए? 2 नंबर। तो इसका मतलब यह है कि 1000 से 2000 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जहां पर आपको 341 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना मिलना चाहिए? 5 शेषफल मिलना चाहिए। तो यहां पर मैंने 341 से इसलिए डिवाइड किया है कि जब भी आप इसमें जो भाग करोगे तो आप उसमें प्लस 5 करते जाएं, आपका आंसर उसमें आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसमें प्लस 5 करके ही निकालें, ठीक है? तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर इनके बीच में ही आएंगे, मतलब कि 5 शेषफल वहां पर हमें मिलेगा ही, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है 300 से 425 के मध्य, 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 8 दोनों से डिवाइड हैं? 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 8 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो इस वाले क्वेश्चन में ये चीज ध्यान देने की है कि आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि 4 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, आपसे बोला गया है 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने कि आपसे बोला जाए कि 4 और 8 दोनों से, या फिर एक्स वाई जेड जो भी नंबर दिया गया उन दोनों से डिवाइड होने वाली कंडीशन रखी जाए, तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। अब आपको 8 से ही डिवाइड करना है 300 को और 8 से ही डिवाइड करना है 425 को। अब जब आप 8 से 300 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास में वैल्यू आती है 8 × 24, कितना शेष बचेगा? 6 × 8 = 56, मतलब कि 37, मतलब 300 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल हैं? तो 37। 8 से 425 को भाग करें, 8 × 5 = 40, कितना बचेगा? 2। 8 × 24, मतलब 53, मतलब 53 नंबर ऐसे हैं, 53 संख्याएं ऐसी हैं जो 425 तक 8 से डिवाइड होती हैं। तो आपको करना क्या है, 53 में से 37 को माइनस कर देना है, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6, 4 में से 3 जाएगा तो 1, मतलब कि कुल कितनी संख्याएं? 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 और 8 दोनों से डिवाइड होंगी, ठीक है? समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न है 124 की पावर 372, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 में आपसे यूनिट प्लेस, इकाई का अंक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि इनके इकाई का अंक, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस का नंबर, इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा? तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो आप इनकी घातांक को, जो इनकी घात दी है, पावर जो दी है, आप इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से भाग करने पर कितना आता है? 4 × 36, कितना बचेगा? 1। 4 × 12, मतलब शेषफल कितना है आपके पास में? 0। इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 × 36, शेषफल कितना आएगा? 4 × 12, शेषफल आएगा आपके पास में 1। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको यहाँ पर इकाई का अंक, मतलब कि 4 से डिवाइड करने पर आपके पास में कितना आया? 0 आया ना। तो इसका मतलब यह है कि 4 का मल्टीप्लाई आपको कितनी बार करना है? 4 बार करना है। या फिर आप ये ध्यान रखें कि अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। तो 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार तो कितना? 4 × 16, फिर कितना आएगा? 6 × 6 = 24, फिर 4 × 16, मतलब यहां पर कितना नंबर मिला आपको? 6। फिर प्लस का साइन है,
अगर यहां पर शेषफल अगर आपके पास में एक बचा है तो यहां पर जो आपको इकाई के अंक पर जो नंबर दिया गया था उस नंबर को आपको कितनी बार लिख देना है, एक बार लिख देना है। तो 6 और 4 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 10, और 10 मतलब कि इकाई का अंक कितना बनेगा आपका 0, मतलब कि जो चौथे नंबर पे जो आंसर है आप उस आंसर को टिक कर सकते हैं और यही आपका सही आंसर भी होगा, और इस प्रश्न का आंसर में इकाई का अंक क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि और किस टाइप और क्या कर सकते हैं उन क्वेश्चन में। चलिए अगला प्रश्न दिया है 3 की पावर 26 मल्टीप्लाई 11 की पावर 42 मल्टीप्लाई 7 की पावर 35। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आप क्या करेंगे कि आप इनकी पावर को 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 24, कितना शेष बचेगा 2, मतलब आपको 3 को कितनी बार लिख देना है, 2 बार लिख देना है और उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1 का मल्टीप्लाई आप चाहे जितनी बार करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो इसलिए इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 4 से आप 35 को भाग करेंगे तो 4 × 8 = 32, कितना शेष बचा आपके पास में 3, मतलब 7 को आपको कितनी बार लिख देना है, 3 बार, कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो यहां पर आपका इकाई का अंक होता है 9, और यहां पर आपका इकाई का अंक बनता है कितना, 7 × 7 = 49, 9 × 7 = 63, इकाई का अंक कितना बना, 3, और 1 और 9 इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर इन्हीं से आ जाएगा कि आपका आंसर क्या निकलने वाला है। तो 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27, मतलब कि 27, और आपको इकाई का अंक बताना है, मतलब यूनिट प्लेस का नंबर बताना है, तो यूनिट प्लेस का नंबर कितना होगा, 7। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बनेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामों में पूछा भी जाता है। पूछा गया है कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 100 तक, 99 और 100 तक के नंबर्स को आपस में गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो दाईं ओर से मतलब कि आखिरी से आपको कितने जीरो प्राप्त होंगे। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कि जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में दाएं से कुल कितनी जीरो आपको प्राप्त होंगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब पहली वाली लाइन, मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो आपको कितनी जीरो मिलती है, तो 1 जीरो तो आपको यहीं पर मिल जाती है, और 1 जीरो मिलती है इस 5 का किसी भी इवन नंबर में, सम संख्या में गुणा करने पर 1 जीरो आपको यहां पर मिल जाती है। जब 5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, तो 1 जीरो आपको यहां पर मिली, 1 जीरो आपको यहां पर मिली। तो इस प्रकार से आपको इस वाली लाइन में कितनी जीरो मिली है, तो 2 जीरो मिली है। तब जब आप 21 से लेकर 21, 22, 23 इसी प्रकार से 24, 25 और कहां तक, 30 तक के नंबर्स का आपस में गुणा करेंगे तो आपको कितने जीरो मिलेगी, तो 30 की वजह से 1 जीरो आपको यहां मिलना है, और 25 का जब आप 24 में गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 600, मतलब 2 जीरो यहां पर और 1 जीरो आपकी यहां पर। तो यहां पर इस वाली लाइन में आपको कितनी मिली, तो 3 जीरो मिली। इसी प्रकार से इनके बीच में 11 वाली लाइन भी है ना, कि 11 से लेकर तो यहां पर भी आपको कितनी जीरो मिलेगी, 2 जीरो मिलेगी। 31 से लेकर यहां पर भी आपको कितनी जीरो मिलेगी, 2 जीरो मिलेगी। फिर 41 से लेकर ये 40 तक और 41 से 50 तक में आपको जीरो मिलेगी, कितनी, 3 जीरो मिलेंगी। तो यहां पर समझने वाली चीज ये है कि जब आप इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, तो हमें एक ऐसा तरीका सीखना पड़ेगा जिससे हम इसको आसानी से कर पाए। तो यहां पर अगर मैं मान, अभी हम इसको यहीं तक समझते हैं कि 50 तक हमें कुल कितनी जीरो मिल रही है, तो 50 तक हमें जीरो मिलती है 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 10 और 12, कुल कितनी जीरो मिली। जब आप 50 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो आपको कितनी जीरो मिलती है, 12 जीरो मिलती है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें कि मान लो कि मुझे ये क्वेश्चन 100 तक ना देकर मुझे 50 तक ही दिया गया होता, और मैं ये निकालता कि 50 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करने पर मुझे कितना शेषफल मिलेगा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि देखो यहां पर जब जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तब तब जहां जहां 5 वाली वैल्यू थी तब तब आपको कितनी जीरो मिली है,
कितनी, एक जीरो आपको हर बार वो पांच बना जीरो बना के देता है, क्योंकि जैसे ही आप इवन नंबर में सम संख्या में गुणा करते हैं पांच का, तो एक जीरो आपको वहां पर मिलती है, एक जीरो आपको लास्ट में यहां पर दी ही गई है, तो इसीलिए जब जब पांच पांच मिलेगा तब तक आपको जीरो मिलेगी। तो इसलिए आपके पास में जो नंबर दिए गए हैं तो आप उसको क्या करें, पांच से डिवाइड करें, तो पांच से ये कितनी बार भाग जाएगा, दस बार। फिर इस 10 में आप फिर से 5 से भाग करें तो ये कितनी बार भाग जाएगा, दो बार। मतलब कि पहले भाग गया था 10 बार, दूसरी बार भाग गया था दो बार, तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, मतलब कुल कितनी बार, 12। मतलब कि आपको 50 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करने पर आपको कितनी जीरो मिलेगी, तो 12 जीरो मिलेगी। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने पर आपको कितनी जीरो प्राप्त होती है, तो आप क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो पहली बार भाग करने पर कितनी बार भाग गया, 20 बार। फिर इस 20 को यहाँ पर लाकर फिर से 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। आपको भाग तब तक देना है, आपको 5 से डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक आपके पास में भागफल जो है वो 5 से छोटा नंबर नहीं आ जाता। तो अब यहाँ पर 20 और 4 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में, 24। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने पर आपको कितनी जीरो मिलेगी, 24 जीरो मिलेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा हमारे पास में, कि 2, 4, 6, 8, 10 और इस प्रकार से, मतलब कि सम संख्याएं, मतलब कि 2, 4, 6, 8 और इसी प्रकार से कहां तक, 200 तक के सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो आपको कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो हमने हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि हमने उसमें हमें जीरो बना के नंबर, कौन सा नंबर जीरो बना के देता था, पांच जो है वो हमें जीरो बनाकर देता था। लेकिन यहां पर जब सम संख्याओं में देखेंगे तो पांच जो है हमारा सभी जगह से हट चुका है, और पांच जब है ही नहीं तो यहाँ पे वो हमें जीरो बना के दे सकता है क्या, तो नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जीरो बना के देने वाला नंबर कौन सा है, तो वो 10 है। क्या है, 10। तो 10 से आप 200 को डिवाइड करेंगे, तो 10 से जब आप 200 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास में वैल्यू आती है 20। मतलब कि 20 जीरो तो आपको 10 वाली नंबर से, मतलब कि 10, 20, 30, 40, 50, इसी प्रकार से आगे कहां तक, 200 तक, मतलब 200 तक में आपको कितनी जीरो मिल जाएंगी, 20 जीरो मिल जाएंगी। और इसी के साथ में आपने ये भी चीज़ देखी है कि आपको अब 5 जो है वो कहां पर मिलता है, 50 के फैक्टर में, 50, 100, 150 और 200। मतलब कि अब आप इस 200 को एक बार 50 से भी डिवाइड कर दें कि 50 से कितनी बार, 4 बार, तो 4 संख्याएँ ये और 4 जीरो ये और 20 जीरो ये, तो टोटल कितनी जीरो बनी है आपके पास में, 24 जीरो। तो कुल मिलाकर आपको कितनी जीरो मिलेगी इस फॉर्मेट में, कि 2 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का, 2 से लेकर 200 तक की सभी सम संख्याओं इवन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपको कितनी जीरो प्राप्त होंगी, तो 24 जीरो प्राप्त होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि अगले प्रश्न को हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल कितना है। तो हमें क्या करना है, 17 से छोटी जितनी भी अभाज्य प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी का योग करना है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी, 2, फिर अगली 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर 17। तो हमें क्या करना है, 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए मतलब 17 तक चलेगी। तो आप 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और 17, मतलब आपको इन सभी संख्याओं का योग करना है। तो 2, 3, 5, 10, 17, 28, 41, 41 और 17 को प्लस करेंगे तो 58। मतलब कुल कितना होगा इनका टोटल, 58 टोटल हो जाएगा, और यही आपका आंसर भी होगा। क्लियर है, कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ था इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने। तो स्क्रीन पर जरूर देखिएगा कि इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए कि हमसे पूछा क्या गया है। तो मैं एक बार मैं भी बोल देता हूँ कि 3957, मतलब कि 3957 और 5349 को जोड़ा जाता है और इसमें से 7062 को घटाया जाता है।
क्या किया जाता है, 3957 और 5349 को जोड़ा जाता है और 7062 को घटाया जाता है, तो जो परिणामी जो संख्या आपको प्राप्त होगी तो वह निम्न में से कौन सी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। क्या पूछा गया है, डिवाइड नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, पहले इन सभी संख्याओं को प्लस माइनस करना है, तो हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 7, 9, 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 14, मतलब कि 4, फिर एक आप यहां पे जोड़ेंगे 6, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, फिर आप 9 और 3 12 और यहां पर 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 कह रही है आपके पास में 4, 5, 9 में से 2, 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2244 मतलब 2244 ये आपके पास में परिणामी संख्या है और आपको ये बताना है कि यह संख्या 4, 3, 7 और 11 इन सभी में से कौन से नंबर से डिवाइड होगी। तो 4 की विभाज्यता का नियम आपको जानते होंगे कि लास्ट की अगर 2 डिजिट जो हैं अगर वह 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। तो 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। और इसी प्रकार से तो ये संख्या हमारा हमसे ये पूछा गया कि वह संख्या जो 4 से मतलब इन दी गई संख्याओं से विभाज्य नहीं होती है, तो वही संख्या आपको बतानी है कि कौन सी संख्या से ये 2244 डिवाइड नहीं होता। तो 4 से डिवाइड होता है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2, 4, 8 और 12 अगर हम इन सभी संख्याओं के सभी अंकों को अगर हम प्लस करें, प्लस करने पर आता है हमारे पास में 12, और अगर यह 3 से डिविजिबल है तो कितनी बार, मतलब कि यह 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 12 जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 2244 भी है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 7 से भाग करके देखें कि 7 से भाग करने पर कितना आएगा, 7 या 21, कितना शेष बचा। और एक और चीज़, 7 से भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, आप 11 से भाग करेंगे तो ये संख्या हमें वैसे ही दिख रही है कि ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 × 22 = 0, 11 × 44 मतलब कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा था, 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब आपके पास में जो ऑप्शन बचा है कितना, 7, मतलब कि यह नंबर जो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7, कि वह नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता है। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जहाँ जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।